पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से हाहाकार, पार्लियामेंट स्टैंडर्डी कमीशन की बैठक आज। कोविशील्ड की सिंगल डोज डेल्टा के खिलाफ प्रभावी, खुराकों के बीच अंतराल की होगी समीक्षा। दिल्ली एम्स के कन्वर्जन ब्लॉक की 9वीं मंजिल में लगी आग, दमकल की 22 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मानसून की रफ्तार पड़ी धीमी, अभी मानसूनी बारिश के लिए करना होगा और इंतजार। लखनऊ के सरोजनी नगर में गोलीकांड, नकाबपोश बदमाश ने शख्स को मारी गोली। राजधानी दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल की 9वीं मंजिल में देर रात आग लग गई थी। एम्स में आग लगने की जानकारी मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों ने पहुंचकर एम्स में लगी आग पर काबू पा लिया। आग से होने वाले नुकसानों की फिलहाल पड़ताल की जा रही है। बता दें कि एम्स के कन्वर्जन ब्लॉक की 9वीं मंजिल में ये आग लगी थी। एम्स के डॉक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार इस ब्लॉक में जांच काम किए जाते हैं, यहां मरीजों को भर्ती नहीं किया जाता है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद नए डेल्टा वेरिएंट को खतरा बना हुआ है और घनी आबादी के अलावा उमस और वायु प्रदूषण ने भी दिल्ली में कोरोना महामारी को बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि पिछले साल राजधानी में संक्रमण की तीन बार लहर हमने देखी थी। दिल्ली में कोरोना के केस की जानकारी दी गई कि वायु प्रदूषण के मामले में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय राजधानी में PM2.5, PM10, SO2, NO2, O3 और कार्बन डाइऑक्साइड महामारी के प्रसारित होने के सहायक रही हैं। कोरोना मामलों के और मौत को लेकर पहले दो अध्ययन सामने आ चुके हैं। दिल्ली में अप्रैल से दिसंबर 2020 के बीच रोजाना औसतन 2000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर में नकाबपोश बदमाश ने एक शख्स को गोली मार दी। गोलीकांड के बाद घटनास्थल पर पहुंचे लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया कि हत्या के इरादे से गोली चलाई गई थी। लूट जैसी घटना की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल घटना में जिन लोगों ने अंजाम दिया था उन लोगों की पहचान करवाई जा चुकी है। सीसीटीवी फुटेज में दो लोग घटना को अंजाम देते हुए कैद हुए हैं। फिलहाल नरेंद्र कुमार यादव की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, साथ ही उनका इलाज चल रहा है। तो लखनऊ में ये गोलीकांड सामने आया जहां नकाबपोश बदमाशों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। आपको बता दें कि लखनऊ के सरोजनी नगर में एक शख्स को दिनदहाड़े गोली मार दी गई। आपको बता दें कि नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए। नरेंद्र यादव जी अपनी दुकान पर 4:30 के आसपास बैठे थे। दो व्यक्ति आते हैं और उन्होंने उन पर वार किया है। अभी इस संबंध में टीमें गठित की गई हैं और जो इंजर्ड हैं उनको मेदांता हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। उनकी चिकित्सा हो रही है। इस घटना पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शिवा, राजधानी में ये गोली कांड सामने आया है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए अनुष्का, तकरीबन शाम को 4:30 बजे सरोजनी नगर का बिजनौर इलाका है और सर्वर नगर गांव में SS ज्वेलर्स के मालिक नागेंद्र यादव को गोली मारी गई है। पुलिस की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही बताया गया है कि जो उनके पास सीसीटीवी की जो DVR है उसमें दो बदमाश कैद हुए हैं जिन्होंने नागेंद्र यादव को गोली मारी है। फिलहाल नागेंद्र यादव की हालत अभी नाजुक बनी हुई है, जिनको लखनऊ के ही मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अफसर बताते हैं क्योंकि ज्वेलरी शोरूम में जो सीसीटीवी के अंदर जो तस्वीरें कैद हुई है उसमें लूट का कोई अंश नहीं दिख रहा है, लिहाजा पुरानी दुश्मनी हो सकती है क्योंकि नागेंद्र यादव पूर्व में प्रॉपर्टी डीलर भी रहे हैं और जमीन की खरीद फरोख का काम भी रहा है। दुश्मनी का एक एंगल जरूर हो सकता है लेकिन लूट की किसी भी घटना से पुलिस ने इनकार किया है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें और क्राइम ब्रांच की टीम खुद इस केस की तफ्तीश कर रही है और सीसीटीवी मिलने वाले जो फुटेजेस है उसके आधार पर लोगों की तलाश कर रही है। तो घर वालों से भी पूछताछ की गई है और आसपास के इलाकों के जो लोग हैं उनसे पूछताछ करने के साथ साथ सीसीटीवी के फुटेजेस जो है उसको एक गौर तरीके से देखा जा रहा है ताकि उनकी होलिये की पहचान की जा सके और बदमाशों को पकड़ने की जो कवायद है उसमें तेजी आए।
जी तो शिवा, जिस तरीके से ये गोलीकांड सामने आया है, जिसमें ये बात साफ हुई है कि लूट के इरादे से इस वारदात को अंजाम नहीं दिया गया था, पुरानी रंजिश इसमें बताई जा रही है, ऐसे में पीड़ित परिवार का क्या कुछ बयान सामने आया है? क्या उन्होंने कुछ लोगों के नाम पर शंका जताई है? देखिए अनुष्का, जो जो कि बदमाश थे गोली मारने वाले, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, लिहाजा उन्होंने किसी भी दुश्मनी से इनकार किया है और उन लोगों ने किसी भी तरीके से उन बदमाशों को पहचानने से इनकार कर दिया है। फिलहाल जो पुलिस के अफसर हैं वो लूट के एंगल को पूरी तरीके से मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर लूट होती तो शायद सीसीटीवी में कुछ जेवर या कैश ले जाने की जो तस्वीरें थी वो भी कैद होती। पुरानी दुश्मनी है, हो सकता है कि नागेंद्र यादव के होश में आने के बाद वो शायद पुलिस को कुछ स्टेटमेंट दे पाए कि पूर्व में उनकी किससे दुश्मनी चल रही थी या किससे तनातनी चल रही थी। तो नागेंद्र यादव के होश में आने का और उनका बेहतर, अगर वो उपचार के बाद ठीक होते हैं तो उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिलहाल वो एक सीसीटीवी है और वही एक आधार है जिसके जरिए पुलिस बदमाशों को पकड़ने की कवायद कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से ये गोलीकांड सामने आया है। आपको बता दें कि लखनऊ के सरोजनी नगर में एक शख्स को दिन दहाड़े दो बदमाशों ने गोली मार दी। आपको बता दें कि फिलहाल पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है, लगातार उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं दो आरोपी घटना को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आ गई है। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने से सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। एक दल से दूसरे दल में जाने वालों की तादाद में भी बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि मंगलवार को बसपा के 6 बागे विधायकों की सपा मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। लगातार दूसरे दिन समाजवादी पार्टी कार्यालय में दूसरे दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। खबर आ रही है कि गाजियाबाद के पूर्व बसपा विधायक समेत 21 नेता समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे। नहीं कुछ नहीं, बहुत लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ की तो गिनती कुछ में रह जाती है, बहुतों की गिनती नहीं हो पाती है। देखिए क्योंकि अब बहुत जल्दी चुनाव आने वाला, आप सब भी जानते हैं, और क्योंकि उनको मालूम है कि पिछले 4.5 साल या लगभग 5 साल जो होने जा रहा है उनका, उनकी पार्टी में और दूसरे दलों में जहाँ जहाँ वो गए थे वहाँ उनका उत्पीड़न हुआ है। वो उत्पीड़न अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों से वादा करा था कि हम उनके लिए काम करेंगे, इसीलिए जनप्रतिनिधि बनते हैं। चाहे वो हम हों और तमाम लोग ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधि बन के आए हुए हैं, वो अपने क्षेत्र में अपने लोगों का काम नहीं कर पा रहे, और उनको मालूम है अखिलेश यादव जी एक ऐसा विकल्प है, एक ऐसे इंसान है जो लोगों की बात सुनते भी हैं और काम भी करते हैं। देखिए मेन मकसद जो है आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में जो आज चारों तरफ हाहाकार मचा है, तो हर व्यक्ति ये सोचने पे मजबूर है किस तरीके से जनता के लिए काम किया जाए। और उस श्रेणी के अंदर अगर इस प्रदेश में कोई आते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी आते हैं कि उनके हाथ में प्रदेश की बागडोर सौंपी जाए और वो इस प्रदेश का विकास करें। सदस्य प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से मिलकर हम लोग आए हैं। श्री नरेश उत्तम जी हैं, उदयवीर सिंह जी हैं, अरविंद सिंह जी हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप हैं। हम लोगों ने पुलिस महानिदेशक से को एक ज्ञापन भी दिया है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस हर जिले में भाजपा सत्तारूढ़ दल के इशारे पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध, कार्यकर्ताओं के विरुद्ध और निर्वाचित पंचायत सदस्यों के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई। 18 करोड़ में उसका एग्रीमेंट होता है, इसकी पूरी जांच करी जाए, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं वो हटे। चंदा पहले भी राम जन्मभूमि के नाम पर इकट्ठा हुआ था, वो पैसा कहाँ गया, सोने की ईंटें कहाँ गई। जब ये भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर करप्शन करने का काम करते हैं तो इसका अर्थ है कि पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी प्रदेश की सरकार ने जो खरीदा है थर्मामीटर, उसकी कीमत ऑनलाइन 1800 रुपया है और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि 5200। राम मंदिर परिसर के लिए भूमि के रजिस्ट्री के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार हल्ला बोल रही है। आप कार्यकर्ताओं ने रैदोपुर स्थित दुर्गा मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान घोटाला करने का आरोप लगाते हुए इसमें शामिल लोगों को समृद्धि देने की प्रार्थना की गई। पार्टी के पदाधिकारी उमेश सिंह ने बताया कि उनके राष्ट्रीय महासचिव संजय सिंह ने कहा है कि वह घोटाले की तह तक जाएंगे। यह पता लगाना जरूरी है कि जिस तरीके से आम लोगों के ने खून पैसे की कमाई से चंदा दिया था, उसका दुरुपयोग ना हो,
जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं वह बहुत ही संगीन मामला है, जिसमें निष्पक्ष जांच करके सच्चाई सामने लानी चाहिए। इसके लिए आम आदमी पार्टी जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक पीछे नहीं हटेगी। वहीं उन्होंने पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर नेम प्लेट पर काले पोतने के मुद्दे पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, देश किधर जा रहा है? राष्ट्रीय भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित संजय सिंह के आवास पर गुंडई की जा रही है, लेकिन इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही। कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए 2021 में दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा था। इस दौरान कई लोगों का रोजगार छिन गया। राहत पहुंचाने के लिए कई समाज सेवियों ने गरीबों की मदद के लिए खाने के पैकेट पहुंचाए थे, लेकिन तब भी कई परिवार ऐसे थे जो दाने दाने को मोहताज हो गए। ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आया, जहां एक परिवार 2 महीने से भूखा था। तबियत बिगड़ने पर 5 बच्चे और महिला सहित पूरे परिवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मुश्किल दौर में किसी परिवार का भूखा रहना और खाने के लिए तरसना मानवता को शर्मसार कर देता है। हमारे पास एक अननोन नंबर से कॉल आया था, क्योंकि हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे कॉल आया था एक व्यक्ति का। उन्होंने बोला, भाई एक परिवार बहुत ही परेशान है, बहुत ही पीड़ित है, आप उसे देखिए। लगभग 11 बजे की बात है, हम तत्काल प्रभाव से लगभग 11:30 बजे करीब हॉस्पिटल में आए। देखा तो हमें देखा कि इन बच्चों की तो बहुत हालत ख़राब थी। फिर हमने अपना सर्वे कराया, सर्वे में ये पता चला कि वहाँ पे घर पे कोई इनके पे था नहीं। इसीलिए फिर दोबारा लौट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, वहाँ देखा तो इनकी हालत बहुत ख़राब थी। ना इनके पास राशन कार्ड था, ना आधार कार्ड था, बच्चे भूख से परेशान थे। माताजी ने बताया कि इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है। तो ये स्थिति हमें लगी, क्योंकि हम इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में भी 1.5 से 5 लाख खाना हम लोगों ने घर। अभी हमारे यहाँ पे 5 से 6 लोग हैं जो सुबह 11 बजे एडमिट हुए हैं। वो काफ़ी कमज़ोर हैं, मतलब उनके जब पेशेंटों को देखा, उनसे बात करने पे पता चला कि उन लोगों ने 1.5 से 2 महीने से ज़्यादा हो गया उन लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया। वो काफ़ी मतलब कमज़ोर हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका हमने एडमिट करके जो भी हमारा ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है, और उनको खाने में केले दलिया वगैरह अच्छा खाना उन्हें दिया जा रहा है। तो 1.5 से 2 महीने जैसे कि आप जानकारी मुझे पाया, तो शारीरिक स्थिति कैसी बन रही है? शारीरिक स्थिति उनकी काफ़ी कमज़ोर थी खाना ना मिलने की वजह से, जिसकी वजह से वो लोग चलने में भी असमर्थ थे। अब थोड़ा सुबह हमारे यहाँ पे एडमिट हुए हैं, अब थोड़ा उनको रिलीफ है, आराम भी है, उन्हें खाना भी मिला है। और गुजरात कैडर के एक आईएएस अधिकारी पर उनकी पत्नी ने मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी है। आईएएस के खिलाफ दुष्कर्म सहित कई मामलों में मुकदमा दर्ज है, अधिकारी निलंबित भी हो चुके हैं। बता दें कि अलीगढ़ जिले के निवासी एक महिला का आरोप है कि आईएएस ने से फेसबुक के जरिए उनकी दोस्ती हुई थी। साल 2017 में उन्होंने फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। डॉक्टर होने के नाते उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्होंने स्वीकार कर ली, क्योंकि वह भी मेडिकल स्टूडेंट रही हैं। इसके बाद 13 अक्टूबर 2017 में मैसेंजर से बातचीत शुरू हुई। बातचीत का सिलसिला चलता रहा। बातचीत के दौरान आईएएस ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। इस बीच आईएएस के शादीशुदा होने की बात उन्हें पता चली। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। काफी जिद करने के बाद उन्होंने शादी की बात को स्वीकार कर लिया और कहा कि जल्द ही पत्नी को वो तलाक दे देंगे, क्योंकि पत्नी से उनके रिश्ते काफी खराब हो चुके हैं। बीते दिनों कोरोना से औरैया भाजपा सदर विधायक रमेश दिवाकर की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिवंगत विधायक रमेश दिवाकर के परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दिवंगत भाजपा सदर विधायक रमेश दिवाकर के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने दिवंगत भाजपा विधायक के परिजनों से मिलकर उनका हाल जाना और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके हर तरीके से मदद करने का भी आश्वासन दिया। आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? जी, उन्होंने बोला है कि वो अपनी पार्टी की साइड से सारे कार्य करेंगे, हमारी जो भी मदद कर सकते हैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उतनी मदद करेंगे। वैसे तो वो सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी और भी सपोर्ट जो भी हम बाकी बात करेंगे उनसे, वो करने के लिए रेडी होंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का और जन सामान्य का जो देहांत हुआ है, परिवार में शोक संवेदना के लिए, हमारे आदरणीय विधायक जी भी नहीं रहे, एक लोकप्रिय विधायक थे,
और एक एक तरह का कहा जाए कि जन सामान्य में उनकी लोकप्रियता थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, स्वयं मित्र भी थे, पार्टी को भी हानि है, समाज को भी हानि है, उसकी भरपाई तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बाकी परिवार के साथ संपूर्ण पार्टी खड़ी है। हमीरपुर जिले के जरिया थाना इलाके में बदमाशों ने एक युवक की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर सीओ सरीला डॉग स्क्वाड टीम के अलावा फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक युवक को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी थी, जिसकी मौत हो गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। थाना जरिया के इटालिया बाजा ग्राम में सवेरे पुलिस को सूचना मिली कि एक डेड बॉडी मिली है, जिसे गोली लगी हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि उसके दाहिने हाथ के पास एक तमंचा था और एक पॉलीथीन में 6 जिंदा कारतूस 315 बोर के, और बाएं हाथ के पास एक जिंदा कारतूस था 315 बोर का। उसके सीने में बाएं तरफ गोली लगी हुई है और वो वहीं पड़ा था। उसके बाद में पता लगाया गया तो उसी गांव का जयपाल पुत्र माधव प्रसाद राजपूत, जिसकी उम्र करीब 35-40 वर्ष के आसपास है, उसकी डेड बॉडी बताई गई। घर वालों ने तहरीर दिया, अभी कोई आशंका नहीं व्यक्त की गई है उसके द्वारा। तो उसके पिता ने बताया कि रात में वो कुछ असहज महसूस कर रहा था, परेशान था, तो मैं उसको ढूंढने भी गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।